ना सेठ, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। अपने जमाने के सुपरस्टार रहे एक्टर राजकुमार इंडस्ट्री में अपने फैंस के बीच अलग अंदाज के लिए फेमस थे। कि किसी साक्षात दर्जी को बुलाकर अपने कफन का माप दे दो डीके, और अपने पालतू कुत्तों से कह दो कि सात सात रिक्कू की अर्थी भी तैयार रखें। एक बार एक्टर ने सिर्फ इसलिए फिल्म ठुकरा दी थी क्योंकि उन्हें उनका चेहरा पसंद नहीं आया था। बीते जमाने के सुपरस्टार राजकुमार फिल्म इंडस्ट्री में अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते थे। फिल्मों में आने से पहले राजकुमार ने मुंबई पुलिस में काम किया था। इसका असर भी उनके मिजाज पर दिखता था। उन्हें हमेशा उनके अच्छे लुक्स के लिए तारीफें मिलती थी। ये कैसे कह दूं कि भंवरा भूल बिना जीवित रह सकता है महाराज, कैसे कह दूं? कई लोग उन्हें उनकी अनोखी आवाज और व्यक्तित्व के कारण एक्टिंग में हाथ आजमाने के लिए भी कहते थे। राजकुमार हमेशा बड़े पर्दे पर दिखना चाहते थे और उन्होंने इसके लिए अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। देखिए, राणा को खत्म करने के लिए अभी तक इस दुनिया में कोई इंसान पैदा नहीं हुआ। राजकुमार ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1952 में फिल्म रंगीले से की थी। वो अपनी हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे। एक बार निर्देशक प्रकाश मेहरा अपने फिल्म जंजीर के साथ उनके पास गए। हालांकि राज को स्क्रिप्ट पसंद आ गई थी, लेकिन उन्होंने फिल्म को ये कहते हुए मना कर दिया कि उन्हें निर्देशक का चेहरा पसंद नहीं है। फिल्म आखिरकार अमिताभ बच्चन के पास गई और उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इतना ही नहीं, एक बार एक पार्टी में राजकुमार प्रसिद्ध गायक और संगीतकार बप्पी लहरी से मिले थे, जो उनके सिग्नेचर स्टाइल में सोने के गहनों के साथ तैयार थे। राजकुमार ने उन्हें देखा और कहा, एक से एक शानदार ज्वेलरी है, सिर्फ एक मंगलसूत्र की ही कमी है। कुछ समय पहले राजकुमार के बेटे पुरु राजकुमार ने अपने पिता की इस बेबाक अंदाज पर बात की थी। उन्होंने कहा, मेरे पिता एक मुंहफट इंसान थे। हालांकि मुझे प्रकाश जी के साथ इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन संभव है कि ऐसा कुछ हुआ हो। पुरु राजकुमार ने कहा कि पापा का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही खराब था, लेकिन वो बुरे दिल के नहीं थे। वीर सिंह से कहिए कि शेर को सांप और बिच्छू काटा नहीं करते, दूर ही दूर से रेंगते हुए निकल जाते हैं। वैसे दोस्तों, राजकुमार भले ही अजीबोगरीब रहे हों, लेकिन वो कभी बोरिंग नहीं थे। अब उनके जैसे सितारे बनते नहीं हैं। ऐसी ही बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंडियन फिल्म हिस्ट्री को। एंटरटेनमेंट की दुनिया में जॉब्स पाने के लिए फिल्मी जॉब्स ऐप डाउनलोड करें, अवेलेबल ऑन एंड्रॉइड प्ले स्टोर। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए इंडियन फिल्म हिस्ट्री की ओर से सौगात, डाउनलोड कीजिए शॉर्ट मनोरंजन ऐप। अब ये उपलब्ध है एंड्रॉइड और iOS में।